नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #maskpehnoindia। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है। और इसी के साथ चलिए हम पत्थर की लकीर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयानक होती जा रही है। मरीजों की गिनती का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहली दफे जो लहर थी उससे और भी ज्यादा घातक है। पहली लहर में लोग आसानी से ठीक हो रहे थे, लेकिन वायरस के बदले रूप ने पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। इस बार गंभीर मरीजों की गिनती पहले से बहुत ज्यादा है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। गंभीर मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं और इन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे हैं। अस्पताल के दरवाजों पर मरीजों का दम फूल रहा है और मरीजों के परिवार वाले एक एक कतरा ऑक्सीजन के लिए आंसू बहा रहे हैं। जीटीवी लोकनायक सारे अस्पताल में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। देश का दम फूल रहा है, हर मिनट जैसे सांस घुट रही है। ऑक्सीजन के लिए कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई हाथ पांव पटक रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत इतनी है कि अस्पतालों के कोटे भी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। कोरोना की पहली लहर जब देश में आई थी तब पीपीई किट, कोरोना की जांच किट की किल्लत थी, और दूसरी लहर में सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यानी जीवन देने वाली वो गैस जिसके बिना इंसान 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना के गंभीर संक्रमण की चपेट में आए मरीजों का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिर रहा है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के उनका सांस लेना दूभर हो रहा है। ये दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। कोरोना की चपेट में आए मरीजों को बेड और ऑक्सीजन के लिए यहां लाया गया है, लेकिन अस्पताल में न बेड खाली हैं और न इतनी ऑक्सीजन की सांस सांस के लिए तरस रहे बाहर पड़े मरीजों को दी जा सके। दिल्ली के इस शख्स ने बड़ी उम्मीद के साथ LNJP का रुख किया था, लेकिन उम्मीद टूटी तो हौसला भी टूट गया। मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल घूमे, बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखू मैं, अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो ना, तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस शख्स की तरह ही दिल्ली का ये युवा भी अपनी माँ को इस उम्मीद में अस्पताल लाया था कि उसे बेड या ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन मां की सांसें बचाने की उसकी आस भी अस्पताल के दरवाजे पर ही ना उम्मीदी में बदल गई। मम्मी को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली कहीं पर। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहे हैं अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, GTV लोकनायक सारे अस्पताल में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। कोरोना मरीजों की सांस ऑक्सीजन की कमी से टूट रही है और उनके तीमारदार और उनके परिवारों की सांस उनकी हालत देखकर फूल रही है। देश में कोरोना के गंभीर मरीजों की हालत बिना ऑक्सीजन बहुत खराब है। मैं क्या, कोरोना पॉजिटिव है, GB पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। मैं एम्स में से भी आया,
लाल बहादुर शास्त्री में लाल बहादुर शास्त्री रेफर किया जीवी पंत, अजीवी पंत ने रेफर कर दिया आलोक नायक जयप्रकाश, यहाँ करे बेड खाली नहीं है। दिल्ली में हर 100 टेस्ट में से करीब 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। जिस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना फैल रहा है उसी रफ्तार से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और जैसे ही लोगों को खबर मिलती है कि दिल्ली में कहीं भी ऑक्सीजन है वहां कतार लग जाती है। दक्षिणी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक गैस सप्लायर ने कोरोना मरीजों के लिए गैस मुहैया कराई। खबर फैलते ही दूर दराज के लोग उसके ठिकाने पर पहुंच गए। शंकर गैस सर्विस नाम की इस दुकान पर कोरोना मरीजों के तीमारदारों की लंबी कतार लग गई। सिलेंडर लेकर लोग सुबह से ही दुकान पर जमा हो गए। दुकान मालिक ने अपने इंडस्ट्रियल सिलेंडरों से कोरोना मरीजों के सिलेंडरों में गैस रिफिल की। एक हफ्ते से सेवा कर रहा हूँ, दिनों रात सेवा कर रहा हूँ। हमारे वर्कर, हमारे लेबर, हमारे जो हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, सारे पूरे परिवार हमने लगे हैं, दिनों रात लगे हुए हैं। हम प्लांट से गैस ले आते हैं, ऑर्बिट हो गया, पैरामाउंट हो गया, वहाँ से हम ले आते हैं, अपने सिलेंडरों में फिलिंग करके करा करके ले आते हैं। यहाँ लोगों के छोटे सिलेंडरों में भर करके लोगों की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ से गैस लेने आए थे, किसी रेफरेंस से पता लगा कि यहाँ पे गैस मिल रही है, तो सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, अभी 12 बज रहे हैं, तो गैस हमारे को मिल गई है, इजिली गैस मिल रही है, किसी और को चाहिए तो आके ले सकते हैं यहाँ से। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन सिर्फ 2 घंटे की बची। गंभीर रूप से बीमार 60 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि समय रहते ऑक्सीजन पहुंच गई। खबर थी कि 25 मरीजों की मौत बिना ऑक्सीजन के हो गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, मौत सिर्फ गंभीर रूप से बीमार मरीजों की हुई है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकर से ही पहुंचाई जाती है, लेकिन इस वक्त ऑक्सीजन की खपत में इतना तेज उछाल आया है कि हर अस्पताल के सामने संकट खड़ा हो गया है। देश में ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। आज प्रधानमंत्री ने 2 बैठकें की, एक बैठक देश के ऑक्सीजन निर्माता उद्योगपतियों के साथ की और एक बैठक उन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की जहां कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन निर्माताओं ने बताया कि बीते एक सप्ताह में ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए, साथ ही हर राज्य को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में मोदी को बताया गया कि बीते कुछ दिन में ही देश के भीतर मेडिकल के काम आने वाली ऑक्सीजन की मांग 3,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ी। ऑक्सीजन की कमी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, देश के बड़े बड़े शहरों के अस्पताल और मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। लखनऊ में नादरगंज का मुरारी गैस ऑक्सीजन प्लांट और श्रीनाथ जी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जिनके पास अस्पताल से ऑथोराइज लेटर है। बिना डॉक्टर की चिट्ठी के लोगों को अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिए जा रहे। मेडिवेल हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ से मुझे लिख के मिला है कि आप जाके कहीं से भी प्रोवाइड करा के हमको दीजिए, और ये हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सर। और वहाँ उनकी एकदम समझ लिए बहुत बेकार कंडीशन पे पापा हमारे, हमको अंदर जाने ही नहीं दे रहे, कह रहे हैं वही आए और वही ले जाए, हमको नहीं देंगे। और जबकि हमको लिख के मिला है वहाँ हॉस्पिटल से कि आप जाके वहाँ से ले लीजिए। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले जो अस्पताल में मरीज भर्ती हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, उसके बाद घर में आइसोलेट मरीजों को सिलेंडर दिया जाएगा। जरूरतमंदों को ऑक्सीजन अवश्य मिलेगी, किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है, आराम से गैस सिलेंडर अपने गंतव्य तक पहुंचाए जा रहे हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अधिकृत किया जा रहा है, उनकी यहाँ सूचना प्राप्त हो रही है, उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति कराते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है ताकि सुरक्षित ऑक्सीजन आपूर्ति जो है अस्पतालों को मिल सके। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ट्रेन के जरिए टैंकरों में भरकर बोकारो से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। शुक्रवार दोपहर को स्पेशल ट्रेन ऑक्सीजन टैंकर लेकर बोकारो से लखनऊ के लिए रवाना हुई। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा कहर बनकर देश पर टूटी है। पहली लहर में अस्पतालों में ना इतनी भीड़ थी ना ऐसे गंभीर मरीज,
लोग घर में ही ठीक हो रहे थे, लेकिन इस बार 20 में से 3 मरीज गंभीर बीमारी की चपेट में हैं और इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।